वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जो डीएलएड की क्लास होती है वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की होती है, यानी कि 10 बजे से फर्स्ट सेमेस्टर और 10:45 से या फिर 10:30 से सेकंड सेमेस्टर, ठीक है ना। ये अलग अलग डे पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होती है वो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 10 बजे से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और 10:45 से आपकी फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो है वो 10 बजे से और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर 10:45 से, क्लियर है ना। चले आगे देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ रोमन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज हम रोमन नंबर कंप्लीट करेंगे। कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर आपको समझ लेना होगा, कुछ से याद करना होगा, और 1, 10, 50, 100 और 1000 इनको आपको याद करना होगा क्योंकि ये स्पेशल करेक्टर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। आज की क्लास में थोड़ा चमक रहा है, ये हमारा सिस्टम जल्दी ही सुधार लिया जाएगा, और ऐसा किसी क्लास में नहीं हुआ था, है ना। जहां चमक रहा वहां पर फिलहाल हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी चमक तो रहा है ना। तो जैसे 11 बनाते हैं, 12, 13, 14, इनको सबको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हमने यहां पर लिख दिया, मान लेते हैं 11। अब इसका रोमन नंबर कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये समझ रहे होंगे आप लोग कि 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 धन 1 लिख सकते हैं ना, 11 हो जाता है। तो 10 को हम किससे दिखाते हैं, यक्ष से, और 1 को किससे दिखाते हैं, आई से। यानी कि आपको क्या करना है, इसके आगे यक्ष और आई लिख देना है, बस ये हो गया 11। दिख रहा है ना, चमक तो नहीं रहा है ना, ठीक है। यक्ष और आई हमने लिखा है, ये हो गया 11। और नीचे देखिएगा 12 में क्या होता है, आप जानते हैं 10 धन 2 12 होता है ना, 10 धन 2 12 होता है। 10 के लिए यक्ष, तो लिख दो ना भाई इसके आगे यक्ष, और 2 के लिए रोमन नंबर में डबल आई, तो अब इसके आगे लिख दो डबल आई, ये हो गया 12 का रोमन नंबर। अब आता है 13, 10 धन 3 13 होता है ना, 10 के लिए यक्ष और 3 के लिए 3 बार आई, ये हो गया आपका 13, ठीक है। अब आता है आपका 14, 14 आप जानते हैं 10 धन 4 है ना, इसको साइड में लिखा देते हैं आपको जिससे लंबा ना हो ये वीडियो। देखिए, जो भी आपको मैं बता रहा था वो पूरा हो चुका है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज हमारी क्लास छोटी तो होगी लेकिन ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। जब आपकी लाइव क्लास होती है, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बातचीत बहुत लंबी हो जाती है और इस वजह से क्लास बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन टॉपिक बहुत कम शामिल हो पाते हैं। ये छोटी क्लास होगी लेकिन टॉपिक ज्यादा शामिल होगी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये हो गया 20 तक, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा। अगर आपने 1 से 10 तक का याद कर लिया तो आप सब बना सकते हैं 100 तक। कैसे, ये देख लिया ना, 20 तक हो गया, कोई भी ले लो एक, 17, 17 को 10 धन 7 लिख सकते हैं, 10 को हम लोग यक्ष से लिखते हैं और 7 को किससे लिखते हैं, वी और डबल आई, ये हो गया 17, समझ में आया ना, ये 20 तक हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे 21 से लेकर 30 तक, बिल्कुल सेम इसी तरह से, बस देखते रहिए। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करें सभी लोग, तुरंत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, अब 21 से लेकर 30 तक हो गया, समझ गए होंगे सभी लोग कैसे बनाया हमने, ध्यान दीजिएगा। देखिए 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ यहाँ गड़बड़ लग रहा ना बाबू, है ना, 20 धन 2 लिख सकते हैं ना, 20 धन 2 लिख सकते हैं 22 को। तो ये देखिए, अभी आपने नीचे देखा था, थोड़ा वीडियो पीछे कर लें, तो 20 को दिखाने के लिए क्या प्रयोग किए थे, डबल एक्स ना, है ना, डबल एक्स, क्योंकि सिंगल एक्स 1 10 को दिखाने के लिए और 20 में 2 बार 10 शामिल होगा ना, तो 2x से 20 को दिखाते हैं, तो 20 धन 2 22 होता है, तो इसलिए क्या कर दिया, 20 के लिए डबल एक्स और 2 के लिए 2 बार आई, और ये 20 धन 3 23 होता है, तो 20 के लिए डबल एक्स और 3 बार आई, किसके लिए, 3 के लिए, ये हो गया 23। देखिए, इसी तरह से सभी को बना लेंगे, जहां जहां 10 है वहां 20 कर देंगे। अब देखिए, आपका पूरा बन गया है ना, 20 धन 2 22 और ये 20 धन 1 21,
इस तरह से आप देखिए सभी बन चुके हैं। 20 के लिए डबल एक्स प्रयोग करते हैं और 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए आप इधर से ले सकते हैं। 9 के लिए आई एक्स, 8 के लिए बी 3 बार आई और 7 के लिए बी 2 बार आई और 6 के लिए बी 1 बार आई। इस तरह से देखिए आपका 30 तक का रोमन डिजिट हो चुका है ना। 30 तक का रोमन अंक ये हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। ध्यान दीजिए 20 के लिए डबल एक्स प्रयोग करते हैं और 10 के लिए सिंगल एक्स, 30 के लिए 3 बार एक्स, लेकिन 40 के लिए 4 बार एक्स का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। केवल 3 बार हम एक्स का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम। इसी तरह का आप सभी को लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जैसे आपको स्पेशल नंबर हमने लिख दिया है, आपको केवल 10 वाले अंक याद करने हैं। मतलब कि आपको यही याद करना है कि 10 को किससे दिखाते हैं, 20 को किससे दिखाते हैं, 30 को किससे दिखाते हैं, उसके बाद 20 से 30 के बीच या 30 से 40 के बीच या 40 से 50 के बीच वैसे सीरियल वाइज बढ़ता चला जाता है जैसे अभी तक आपने देख लिया। साथ साथ में इन सभी जो इकाई वाले हैं इनको प्रयोग करते जाते हैं। जैसे 40 के लिए आप जानते हैं एक्सएल होता है ना, तो 41 के लिए क्या होगा, 40 धन 1, मतलब 40 के लिए एक्सएल और 1 के लिए आई, यानी किसका हो जाएगा एक्सएल और आई, ठीक है। उसी तरह से 42 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सएल डबल आई और ये एक्सएल 3 बार आई, है ना। इसी तरह का पूरा बना लेंगे। छोटी सी क्लास में ज्यादा जानकारी लेना है। आपने देखा होगा ना बिहारी जी की पंक्तियां, गागर में सागर भरना। जी बिल्कुल, आपकी जो छोटी क्लास होती है ना गागर में सागर होती है बाबू, ठीक है। इसलिए छोटी क्लास देख करके भागा ना करिए, जरूर देखा करिए। जितना छोटा वीडियो होगा उतनी ज्यादा जानकारी होती है उसमें, और जितनी बड़ी क्लास होती है उतनी ज्यादा बातचीत उसमें हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट करना चाहते हैं और फिर आपका जवाब देने में टाइम लग जाता है। ये देखिए पूरा इसी तरह से बन गया, जैसे हमने आपको 1, 2, 3, 4 बताया उसी तरह से ये आपके सभी हो गए। समझ में आ गया होगा ना। 50 के लिए यल प्रयोग करते हैं, अगर 51 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यल धन आई। 52 के लिए यल धन डबल आई। इसी तरह से 54 के लिए यल धन आई 4, है ना, आई भी मतलब 54। इसी तरह का आप 100 तक बना लीजिएगा, अगर कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा। हाँ, 60 को एल एक्स से दिखाते हैं ना, एल एक्स से 60, तो अगर 61 बोलेंगे तो यल एक्स आई, ठीक है। अगर 65 बोलेंगे तो यल एक्स और 5 के लिए ये भी ये हो गया 65। इसी तरह से आप 70 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स कर देंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। 80 के लिए ट्रिपल एक्स कर देंगे और इस तरह से आपका 100 तक हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। जो भी आपको नहीं आएगा सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को तुरंत लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं लाइक किया, फिर आगे देखते हैं। क्लास छोड़ के जाने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा तब जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, इस नंबर की व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहें, समय समय से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसे अपने फोन में सेव कर लीजिएगा, हमें मैसेज करेंगे जब आप अपना नाम वगैरह लिख करके। आपको अधिकतम 3 या 5 दिन का टाइम लग सकता है, उसके बाद आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, फिर आप हमारे सारे व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे, ठीक है ना। जब तक आपका नंबर सेव नहीं होता तब तक नहीं देख पाएंगे। आप हमारी व्हाट्सएप स्टेटस से सारे अप टू डेट प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस में आपको आने वाली क्लास की लिंक भी दी जाती है, तो स्टेटस के माध्यम से आप क्लास में जुड़ सकते हैं। सभी के पास शेयर कर पाना मुश्किल होता है बाबू, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस से लिंक को प्राप्त कर लिया करें क्लास की और जुड़ जाया करें, ठीक है। ये नंबर आपके कॉल के लिए आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा वेबसाइट pbrstudy.com, ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com। इसके अलावा आपकी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं पीबीआर स्टडी के। ये सारी लिंक और जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, उसमें से देख लीजिएगा। अगर आप मैथ को आसान बनाना चाहते हैं तो मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। चैनल का क्या नाम है, मैथ आसान है, ये चैनल का नाम है मैथ आसान है। तो भाई मैथ कितनी आसान होगी इस चैनल पर, आप सोच सकते हैं। और पीबीआर स्टडी ग्रुप और पीबीआर स्टडी ब्लॉग्स, ये सभी पीबीआर स्टडी के अदर चैनल हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको इतना ही बोलना है, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर आप ठान लेते हैं ना तो वो सरल बन जाता है। कोई भी काम सरल होता नहीं है, सरल बनाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुवंशी फिर से मिलूंगा अभी आपकी DLED सेकंड सेमेस्टर की क्लास में रात्रि 10:45 से। जरूर देखिएगा 10:45 से सेकंड सेमेस्टर। थैंक यू। और हाँ,
अभी क्लास छोड़ने से पहले इस क्लास को शेयर करके जाइएगा बाबू, ठीक है ना, जरूर शेयर करेंगे आप।